मेरी रेसिपी है बहुत ही ज़बरदस्त सी हो गई, चिकन की बिरयानी, चिकन डे के स्टाइल में बनाएंगे हम। चलिए जी स्टार्ट करते हैं बनाना। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. तो ये देखिए बिरयानी का मसाला हमने यहाँ पर पीस लिया है। ये हमने 1 किलो बिरयानी का मसाला पीसा है, ये इतना काफी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देख लीजिए यहाँ पर हमारी 1 kg के करीब चिकन है। चिकन में वो अभी हम मैरिनेट करेंगे कलर के साथ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले यहाँ पर फूड कलर है हमारा, वो इसमें ऐड करेंगे। ये देख लीजिए हमने यहाँ पर चिकन मैरिनेट कर लिए काफ़ी अच्छे तरीके से। इसको अभी हम रखते हैं 10 मिनट के लिए। प्याज ब्राउन करने के लिए यहाँ पर ऑयल डालेंगे। ऑयल के बाद हमने 4 अदद प्याज काट के रखी है, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। प्याज ब्राउन करेंगे। हम प्याज काफ़ी अच्छे से ब्राउन हो रही है। जब तक प्याज ब्राउन होती है हम अपना जो चावलों का स्टेप है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम चावल बघारने के लिए सबसे पहले डुंगिया जैसा ऑयल डालेंगे यहाँ पर। ऑयल के अंदर अब हम जो है इसकी सीक्रेट रेसिपी है, अब हम इसके चावल को बॉइल नहीं करेंगे, हम इसके चावल को बघारेंगे जिस तरह से आप लोग नॉर्मली चावल बनाते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून के करीब लहसुन डालेंगे। लहसुन और गरम मसाला काफ़ी अच्छे से यहाँ पर हो गए। तो इसके बाद अब चावल डालेंगे। तो हमने इसे अच्छी तरीके से बघार लिए हैं और इसके बाद हम इसमें डालेंगे यहाँ पर चावल। चावल हमारे सैला हैं, 1 किलो के करीब चावल हैं हमारे। हमने चावलों को 1.5 घंटे के लिए भिगोया था और हम इसमें चावल ऐड कर रहे हैं सारे। नॉर्मली जैसे घर के अंदर चावल बनते हैं इस तरह से चावल बना रही हूँ। इसी के साथ साथ हम इसमें यहाँ पर साइड सॉल्ट डालेंगे। फर्स्ट टाइम के लिए इसको छोड़ते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो हम यहाँ पर अपना मसाला तैयार कर रहे हैं। मसाले में हम यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब लहसुन डालेंगे। इसी तरीके से लहसुन डालने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 1 टीस्पून। लहसुन डालने के बाद यहाँ पर हम 1 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे। थोड़ी सी लौंग डालेंगे, तेजपात का पत्ता डालेंगे, बड़ी इलायची डालेंगे, छोटी इलायची डालेंगे, हमारी जो मैरिनेट हुई हुई चिकन है। इसके बाद ये देख लीजिए हमारी 1 kg करीब मैरिनेट हुई है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 1 kg चिकन ली है और 1/2 kg मेरे टमाटर हैं। मसाले मैंने आप लोगों को दिखाए हैं सारे। थोड़ा सा पुदीना डाला है, 4-5 मैंने हरी मिर्चें डाली हैं। तो ये मसाला मेरा बिल्कुल रेडी है। मसाले को आप मैं 10 मिनट के लिए ढकूंगी।
10 मिनट के बाद मैं इसको दिखाऊंगी। तो चलिए 10 मिनट हो गए हैं, मसाले को देख लेते हैं। मसाला काफी अच्छे से यहाँ पर हो रहा है, बस भुनने का इंतजार करेंगे मसाले का। देखिए कितना ज़बरदस्त का मसाला लग रहा है हमारा। और इसका जो ओरिजिनल बिरयानी का मसाला है वो उसमें ऐड करेंगे यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये मैंने होममेड मसाला बनाए हैं बिरयानी का, ये मैं अभी इसके ऊपर डालूँगी। और इन्हें हाफ टी स्पून, मैं डेढ़ चम्मच के करीब मैं इस चीज़ मसाला डालूँगी। इसके बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। टमाटर भी डालेंगे मैंने, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी दही भी ऐड कर रही हूँ। 3 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पर दही ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी और दोबारा इसको पकने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। देख लीजिए, ऑलमोस्ट चावल हमारे पक गए हैं। चावल हमने यहाँ पर बघारे दिए, तो अब इसको हम 10 मिनट के लिए हल्की आँच पर छोड़ेंगे, जब तक हमारा मसाला तैयार होता है। तो जी 10 मिनट हो गए हैं, मसाले को देखते हैं। मसाला हमारा रेडी है। मसाला रेडी करने के बाद हम इसमें, ये देख लीजिए, हमने यहाँ पर आलू के बुखारे जो है भिगो कर रखे हुए थे, हम इसमें वो ऐड कर रहे हैं। बिरयानी के लिए अगर आप लोग आलू बुखारा अवेलेबल नहीं है तो आप लोग इसमें इमली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। चिकन हमारी गल गई है, तो हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। बस इसका चूल्हा हम करते हैं बंद। चावल एक तरफ हमने यहाँ पर दम पर लगा दिए हैं 10 मिनट के लिए। चावल जैसे हमारे होते हैं फिर हम इसकी तह लगाएंगे बिरयानी की। तो ये देख लीजिए, चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। बस इसमें एक कढ़ाई अभी बाकी है, तो मैं यहाँ पर अब तेल लगाने लगी हुई हूँ चिकन के मसाले की। तो अब हम बिरयानी के लिए सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो इसमें ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम मसाला है वो इस तरह से हम इसमें ऐड कर रहे हैं। साफ कर लेंगे। चिकन हमने इसके बीच में ऐड कर दी है। उसके बाद हम इसमें अब थोड़ा सा पुदीना यहाँ पर डालेंगे ऊपर से तेल के साथ। पुदीना डालेंगे, थोड़े से टमाटर हम डालेंगे यहाँ पर कच्चे। हरी मिर्च डालेंगे, टमाटर डालेंगे। उसके बाद जो हमने यहाँ पर होममेड बिरयानी का मसाला अपना पीसा था वो थोड़ा सा हम इसमें लगा देंगे। ऊपर से हमने यहाँ पर थोड़े से चावल अलग से निकाल के रखे थे, तो अब इसकी तह हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर हमने कर लिया है। अब इसके ऊपर भी इससे भी हम थोड़ा सा पुदीना इसमें डाल लेते हैं। जो हमने प्याज ब्राउन करी थी हम इसमें वो ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा मसाला हमने इसके ऊपर लगाने के लिए बचाया है, ताकि ऊपर नीचे तेल हमारी आराम से लग जाए। ये देख लीजिए, मैंने इस पर भी थोड़े से नींबू काट कर भी डाले हैं। इसके बाद मैं इसको ढक के और 10 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगी। थोड़ा सा हम इसमें ऑयल भी ऐड करेंगे, ऑयल डालेंगे यहाँ पे हम। अपना हाई किया हुआ है 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद में चूल्हे को स्लो कर दूंगी, क्योंकि चावल में हमारे अभी कमी है चावल में, तो तब तक 10 मिनट के लिए इसको तेज आंच पे छोड़ेंगे। देखें जी, बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो देखिए चावल कितनी अच्छी तरीके से हमारे पक गए हैं। तो हम इसको मिक्स करने लगे हैं, मिक्स करके डिश में सर्व करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए जी, कितनी यम्मी सी हमारी मज़ेदार सी चिकन की देगी बिरयानी हमारी बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर इसमें कोई आप लोगों को मेरी गलती लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा।
नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Close till I get up, time is barely on our side.